गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल तो अभी मैं उठा था और टाइम हो रहा था 8:30। आज कुछ ज़्यादा लेट होता हूँ तो देखते हैं। अभी फिलहाल तो मैं चाय पी रहा था और शायद हम अपने फ्लोर में भी जाएँ और तो देखते क्या सीन रहता है आज का। तो चलो फिलहाल तो अभी मैं चाय पीता हूँ, तो मिलते हैं बाद में आपसे। मेरा साथी मेरे साथ ना, काटे ना काटे दिन रात ना। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, काटे दिन रात ना। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब। ओ दिन रात यूं ही बे, तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहाँ। तो तेरी याद जो बिगाड़े जहाँ, अब सुना दे पूरी दास्तां। ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़ी, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़े, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल पड़े। तो अभी फिलहाल घर पे तो पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 11 बज चुके हैं। तो देखते हैं अभी साफ सफाई वगैरह करते हैं घर में, तो घर पर घर में साफ सफाई वगैरह करते हैं तो देखते क्या सीन रहता है बाकी। तो मिलते हैं आपसे बाद में, साफ सफाई वगैरह करके मिलते हैं आपसे बाद में। आया था वीडियो अपलोड करने के लिए क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे नीचे, तो इसलिए मैं ऊपर आया वीडियो अपलोड करने के लिए। तो वीडियो बस अपलोड होने वाली है, तो इस बारी तो आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या रहता है। तो फिलहाल वीडियो को पब्लिक करते हैं। वीडियो तो वैसे अपलोड हो चुकी है थोड़ी देर, 1-2% रह गई थी। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। तो चलो फिर ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे, तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहाँ। ओ तेरी याद जो बिगाड़े जहाँ, अब सुना दे पूरी दास्तां। तो पहले साफ सफाई वगैरह करी, फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम लैप्स लिया वीडियोस का, वीडियो एडिट करी और वीडियो एडिट वगैरह करा थोड़ा बहुत। तो 3 बजे जाके तो मेरा वीडियो अपलोड हुआ। थोड़ी देर 5-10 मिनट थोड़ी देर आराम करा, 20-25 मिनट। उसके बाद में और अभी टाइम हो रहा है क्या, तो अभी टाइम हो रहा है 5। और फिलहाल तो अभी मैं चाय बना रहा था, कहता है अभी तो चाय बनाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी फिलहाल चाय तो बन गई थी, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज़ आर नेक्स्ट डे। तो कल मेरे ब्लॉग इसलिए ख़त्म नहीं करा, मैंने सोचा 2 दिन का ब्लॉग एक साथ ही डाल देते हैं। तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। तो फिलहाल तो अभी चाय पी रहा था मैं, तो फिलहाल तो अभी चाय गर्म हो रही है, तो चाय पीते हैं फिर देखते क्या करते हैं। बारे का पाइप टूटा उसको भी ठीक करेंगे आज, तो देखते क्या रहता है। फिलहाल ये वाला पाइप जोड़ते हैं, पता नहीं किसने तोड़ दिया पाइप, देखते हैं जोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं सामान तो ले आया था, तो इसको जोड़ते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी फिलहाल तो पाइप वगैरह तो जोड़ते हैं और उसके बाद में खाना वाना खा लिया अभी, तो देखते क्या करते हैं। धूप में बैठे बैठे अपना आराम से खाना खा लिया यहाँ पर, तो अभी फ़िलहाल तो ऊपर चलते हैं, अभी देखते हैं ऊपर अपना आराम से धूप सेकेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल छत पर बैठे अपना आराम से, धूप निकल ली और बादल भी हो रहे हैं। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, काटे ना कटे दिन रात ना। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, तो सुन लेना। अभी फिलहाल आपने टाइम लैप्स तो देख ही लिया होगा और कमेंट करके जरूर बताना किस टाइप का लगा है टाइम लैप्स। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो हमारे राजा महाराजाओं का जो किला होता है यहाँ पर, मतलब कि राजस्थान में जो किले होते हैं वो दिखाता हूँ हमारे यहाँ। तो देखो फिर ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वो किला है, इसको यहाँ पे गढ़ बोलते हैं। ये कुछ इस टाइप का, इसको मटका किला भी बोलते हैं क्योंकि मटके की शेप में है ये, तो इसको मटका किला भी बोलते हैं।
शीशे के मकानों में तू ऐसी है जो जिंदगी खाली ही पड़े हैं और मतलब कि उन्होंने घर बन रहे हैं, मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, हल्के हल्के लोग आ रहे हैं रह रहे हैं। तो मतलब कि यह जो हमारा वाला प्लाट था ये भी मतलब कि 20 साल पुराना प्लाट है, और उसके बाद बावजूद भी मतलब कि बहुत सारे घर आए हैं यहाँ पे 20 साल के अंदर अंदर। मतलब कि 20 साल हो चुके हैं हमें प्लॉट लिए हुए, और उस टाइम यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कोई घर नहीं था, मतलब कि 2-3 घर ही थे यहाँ पर। तो प्लॉट यहाँ पर जो था ना आधे ज़्यादा खाली ही पड़ा था, मतलब कि ऐसे खेत वगैरह ही थे। तो अब जाके कुछ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जो कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, जो आपने पहले वीडियो देखी, तो इतना कुछ डेवलप हुआ है हमारे एरिया के अंदर, इस वाले एरिया में। और बाकी जो आगे का जो एरिया है वो खाली ही पड़ा है अभी भी, वहाँ पर मतलब इतना खेती वगैरह तो नहीं होती वहाँ पर, मतलब कि खाली पड़ा है, मतलब कि प्लॉट कट चुके हैं वहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से है बाकी एरिया, और अभी भी हमारे आसपास के एरिया जो है वो खाली पड़े हैं, एक दो प्लॉट जो है वो खाली पड़े हैं हमारे आसपास वाले भी। और जो है हमारा प्लॉट है ये 20 साल पुराना है, मतलब कि मैं उस टाइम मान लो 3 या 4 साल का होऊंगा उस टाइम का ये प्लॉट लिया हुआ है, और अब जाके इसके अंदर हमने घर बनाए। मतलब कि 2017 में स्टार्ट किया था हमने, 2000 थोड़े दिन रुके, उसके बाद पहले 2 रूम बनवाए थे, उसके बाद हम सीढ़ियाँ बनवाई, 2 रूम और 2 रूम और 1 सीढ़ी बनवाई थी, उसके बाद हम थोड़े दिन रुके, उसके बाद में 2021 में फिर हमने ये पूरी छतें डलवा दी थी हमने यहाँ पर, पूरा मतलब कि पैक करवा दिया उसको। तो कुछ इस टाइप से है, और अभी भी काम रुका, मतलब कि प्लस्तर वगैरह भी रुका हुआ, ऊपर की बाउंड्री भी रुकी हुई है, बाउंड्री भी नहीं बनवाई हुई अभी, और तो थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो देखेंगे आगे, टाइल डलवाएं या फिर मार्बल डलवाएं वो देखेंगे आगे, टाइल ही सही रहेगी, टाइल डलवाएं या फिर देखते हैं क्या रहता है। तो अभी चलते फिलहाल नीचे, अभी मम्मी आई थी तो मम्मी बोल रही हवा चल रही है, तो चलो नीचे फिर चूल्हे के पास चलते हैं, चूल्हे के पास बैठते हैं अपना आराम से। तो चलो, तो अभी फिलहाल पीछे वाले प्लाट में बैठे थे, छत से तो मैं ऊपर नीचे आ गया था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बाहर मौसम बार बार ख़राब हो जा रहा है, कभी धूप आ रही, कभी बादल आ रहे, मोटे बादल भी इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े मोटे मोटे बादल हैं, ये मतलब कि सूरज को भी ढक लिया इन्होंने, बारिश के बादल हैं, ऐसे पानी है इनके अंदर, तो कुछ इस टाइप के हैं ये, मतलब कि धूप तक नहीं आने दे रहे, पता नहीं क्या है, कभी धूप कभी छाया, अब धूप आ गई, अभी थोड़ी देर बाद में दोबारा ऐसा हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। तो अभी फिलहाल पापा लेके आए थे फिर नहीं, तो खाते फिर मिलते। तो अभी तो थोड़ी देर में सो गया था, और अब फिलहाल सो के उठा हूँ, वो तो टाइम हो रहा है अभी 4 बज चुके हैं, 4 उन्हें सो रहे हैं अभी, तो देखते क्या रहता है अभी फिलहाल, चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी फिलहाल छत पर आए थे और सामने सनसेट हो रहा, मतलब कि इतना ख़तरनाक लग रहा, तो पहले वो देखो फिर मिलते हैं बाद में दोबारा से। ऐसे कैसे आए ना बताए अरे चल परे, ऐसे कैसे आए ना बताए अरे चल परे, शीशे के मकानों में तू ऐसी है जो जिंदगी। तो अभी चूल्हे पे बन रही बाजरे की रोटी और सरसों और मेथी बनी है, मतलब कि अभी फिलहाल तो मैं कर रहा था एडिटिंग, तो एडिटिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या कितनी देर में एडिट हो पाता है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। चलो, तो अभी करेंगे अपनी एडिटिंग, और फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। माने ना माने दिल मेरा ये जाने मन तेरा, तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे, तो हम क्या करें अब।